मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉगिंग कर रहे हैं हम सुबह के 11 बजे से, और यह विनोद विनोद के साथ फर्स्ट बार मैं नहीं हूँ गाड़ी में, ड्राइविंग कर रहा हूँ। हमारे पास कौन सी गाड़ी है अभी? ब्रेजा मारुति सुजुकी न्यू न्यू वर्जन में है ये। तो आज न्यू वर्जन में तो मैं पहली बार बैठ रहा हूँ अभी, मतलब फर्स्ट बार, और नई गाड़ी अभी है, महीना भर होगा लिया हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। तो अच्छे कम्फर्टेबल गाड़ी है, एकदम मज़ा आ गया इस गाड़ी में। तो मैंने तो पा रहे बार बार ही देखिए, आप पहले बार अंदर से देख रहा हूँ, अच्छे गुड फीलिंग आ रही है इसमें बैठ के। तो दिखाते हैं आपको इसका सिस्टम क्या क्या है इसमें। ये आगे सिस्टम क्या क्या देर का सारा इसका ब्लूटूथ सिस्टम है, एफएम वगैरह, अच्छा डिस्प्ले, हाँ सब चीज़ इसमें आता है, कैमरा वगैरह। काफ़ी फीचर चेंज किया है इसका ना। हाँ हाँ यार, देखो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा हो रहा है, एकदम बारिश आ रही है, देखो ये वाह, काफ़ी सिस्टम चेंज किया है, काफ़ी मतलब ऑटोमेटिक है ना? मैनुअल? अच्छा मैनुअल है, मैनुअल है। एयरबैग है यहाँ पे, एक वहाँ पे साइड में भी है, दो ही है पीछे, दो है बाकी इसमें भी। तेल भराने के लिए, तो तेल भरा के फिर हम निकलेंगे, पंप के पास पहुँच गए हम, इनसे हम तेल भरवाएंगे। मिलेगा तेल यहाँ? ये अभी नहीं उतरी है गाड़ी की, देखो काफ़ी स्पेस है यार, आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं पीछे में, काफ़ी स्पेस है, काफ़ी चेंज कर दिया है मारुति सुजुकी ने। सामने मिरर में भी एकदम डिस्प्ले वाला है, देखिए यार ऐसा क्यों? बारिश के टाइम अभी बारिश नहीं आएगी तो धूप थोड़ी आएगी। ये हमारे भोलेनाथ जी हैं, वाह गुड। मार्केट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये फोन है, इस गिर गया ना, डिस्प्ले खराब हो गई, देखा कैसे निकल रहा है ये। तो ये फ़ोन ख़राब हो गया, इसके डिस्प्ले सही करवानी है, तो देखते हैं कहाँ पे सही हो गए। बड़ा अच्छा फ़ोन है यार, इसमें गिर गया आज से आज। ब्लूटूथ कनेक्ट, साइड में गाड़ी रोकी है, क्या कर रहा है? ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ। क्या करेगा ब्लूटूथ कनेक्ट करेगा? गाने बजाऊंगा। अरे छोड़ ना गाने, नहीं अगर ये गाड़ी हो ना लंबे टूर में कहीं निकल जाए, जैसे कि लद्दाख हो गए या शिमला हो गए, कुल्लू मनाली जो भी है, और लंबे टूर में बद्रीनाथ केदारनाथ इस धाम में, बड़ा आनंद आएगा इस गाड़ी में घूमने। सही बात है, कम्फर्टेबल लगती है गाड़ी। जाम खुला नहीं, बहुत लंबा जाम है, पता नहीं कहाँ जाम लग गया, कब तक खुलेगा ये? काफ़ी लंबा जाम है यार, पता नहीं, तो रोज का जाम है। सुजात वाड़े के पास इस समय। ये बाइक बहुत बढ़िया है, एकदम कंफर्टेबल बाइक है। हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया जाम में फंसे, अभी तक भी जाम नहीं खुला है। 1 घंटे से ऊपर हो गया ना? 1 घंटे से ऊपर हो गया यार, बहुत बुरा हाल हो गया। कब खुलेगा जाम? बहुत लंबा जाम है, थोड़ा ऊपर से बहुत लंबा जाम है, पता नहीं कब तक खुलेगा। बहुत लंबा कर्मचारी लगे हैं, देखो जाम खुलवाने में लगे हैं, ये देखिए जाम खुलवा रहे हैं। अब बड़ी मुश्किल से 1 घंटे से भी ऊपर हो गया, अब खुला जाम थोड़ा थोड़ा करके, देखिए सब लोग लगे हैं यहाँ पे, अब खुला यार जाम, बाय गॉड थोड़ा तसल्ली मिली। अब ये लोगों ने घेर रखी, देखो कैसे बैठे हैं रोड में, सारे पूरे फैमिली बैठी इनकी, देखो फोन तो सही करने के लिए दिया है शॉप पर, तो हम जा रहे गाड़ी पार्क करने के लिए, वहाँ तो काफ़ी ट्रैफिक, वहाँ तो गाड़ी पार्क के लिए भी जगह है नहीं, तो नीचे कहीं देख लेते हैं आप होगी यहाँ, यहाँ पर देखते हैं कहीं पर मिल जाएगा तो गाड़ी पार्किंग के लिए, दिक्कत हो जाएगी यार गाड़ी की पार्किंग के लिए, हमें काफ़ी ट्रैफिक है। ट्राई कर लिया कहीं पार्किंग मिल नहीं रही है, यहाँ पे कोई लगाने देगा साइड में, क्या होगा यार, बोर हो रहा हूँ मैं तो यार गाड़ी के अंदर। पार्किंग मिली होगी रोड में खड़ी गाड़ी की, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट और काटने यहाँ पे, बड़ी गर्मी हो रही है, से फ़ोन आया था, फ़ोन बन गया करके आपके, तो हम फ़ोन लेने जा रहे हैं, निकल गए यहाँ से, तो जाते हैं फ़ोन लेके चलते भी घर को। और यार काफ़ी वेट करवा दिया यार, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, फिर आप ए सी चला दी। वो सामने ओप्पो शोरूम है, वहाँ पे ओप्पो के शोरूम में दिया है ओप्पो, इसके आगे लगा ले या पीछे लगा ले तो, ये है सामने, हाँ ये दबा के लगा ले, स्कूटी से पीछे लगाना आगे, मैं बस लग गई वहाँ पे, चलो फ़ोन लेके आते हैं। रिसीव कर लिया है, देखो फ़ोन किस तरीके से चिपका है, देखो ये डेंटिंग पेंटिंग कर करके इस तरीके से चिपका रही है, फ़ोन दूर दशा ही बदल देते हैं फ़ोन की यार, फिर में रोड भी निकलते ना, बड़ा अच्छा लगता है ना यहाँ से, नीचे को व्यू अच्छा है, यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छी लगती है, खुशी सभी को होती है, देख ना सो ना सराफा, यहाँ पर गंदगी भी नहीं है, साफ़ सफाई अच्छी है यहाँ पर, खाने का मूड हो रहा है, खाएगा चल ले लेते हैं नीचे, डबल जोर से ले लेंगे, ठीक है। जाम 2 घंटे पहले जाम में फंसे थे, फिर देखो फिर जाम में लग गया, क्या यार ये भगवान। उत्तराखंड की परिवहन है
और ये आ रही है दिल्ली से, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, उत्तराखंड की। सामने समोसा लेने मैं तो नहीं गया, मैंने कहा तू जा समोसा ले आ, देखो सामने कौन सा स्वीट है, ये लकी स्वीट्स एंड बेकरी। अरे समोसे ले आया, देखो कितने हैं ये, कितने समोसे हैं, घर के भी होंगे इसमें। डांस करा रहा है अभी, हम रुके यहाँ पे, देखो किस तरीके से डांस कर रहे हैं, बाहर से उतर के देखिए, रुको देखो किस तरीके से गाड़ी डांस कर रही है, ये देखो, ये 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 दूसरा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है बाईपास। यार बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर दी, हटा भी नहीं रहा, क्या कर रहा है ये बंदा, बच्चों को उतारना है तो साइड में उतारे ना, यहाँ बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके क्या करेगा, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे लोग। देखो गाइस ड्राइवर ना जल्दी पिटते हैं, मार खाने वाले काम करते हैं लोग। हम पंचायत घर पहुँच चुके हैं, बस 10 मिनट में घर पहुँचने वाले होंगे, और सामने ट्रैक्टर ये पैक कर रहा है। हम घर पहुंच गए हैं, तो अब करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी, तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक बार एक सब्सक्राइब कर देना जरूर से करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।